नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुधनी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करेंगी नामांकन दाखिल। नामांकन के समय मौजूद रहेंगे पीसीसी चीफ और विवेक तनखा। सांसद तनखा का बयान, बीजेपी का बुधनी प्रत्याशी बाहरी, हो रही अंतर्कलह। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल मजबूत क्षेत्र के नेता, विजयपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट जीतेंगे। रामनिवास रावत व्यक्तिगत कारण से बीजेपी में गए। भारत एक ऐसा देश जहां प्रतिनिधि नाराज होकर दूसरी पार्टी में जाते हैं, अन्य देशों में इस तरह की परंपरा नहीं है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का निर्मला सप्रे पर बयान, प्रूफ डिसप्रूफ की बातें कोर्ट में होती हैं, कुछ मन की बातें और विश्वास की बात होती हैं। सप्रे ने कांग्रेस का विश्वास खोया है। निर्मला सप्रे को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। त्यागपत्र देकर सप्रे का कानून का पालन करना चाहिए। अगर सप्रे इस्तीफा नहीं देती तो हम विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट जाएंगे। कहीं नहीं है, मैं क्या बोलूं, कांग्रेस में है नहीं, बीजेपी उनको स्वीकार करती नहीं, तो उनको खुद ही सोचना, जब वो कहीं नहीं है तो रह के भी क्या करेंगे, प्रशासन उनको तवज्जो नहीं देगा, कांग्रेस की वो है नहीं, बीजेपी में बीजेपी उनको स्वीकार ही नहीं कर रही है। ऐसा ही होता है दल बदलों के साथ, जो लोग दल बदल करने की जो क्या प्रयास करते हैं तो ऐसा ही होता है। उनको अपने सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगी तो स्पीकर साहब को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर गलत निर्णय लेंगे स्पीकर साहब तो लोग हाईकोर्ट जाएंगे। अब तो हाईकोर्ट की नज़ीर और सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर आ चुकी है, स्पीकर साहब को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा। तो अब निर्मला जी की कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी, मैं यही कह सकता हूँ। मुझे उनके साथ संवेदना है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि उस पोजीशन से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में कि वो वापस कांग्रेस में आएंगी कि नहीं आएंगी, और आना चाहती कि नहीं आना चाहती, और कांग्रेस उसको किस प्रकार से देखेगी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, पीसीसी प्रेसिडेंट बात करेंगे करेंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, पूरे देश में वहाँ से बीसी में बहस करता हूँ, तो मुझे रियली नहीं मालूम कि यहाँ क्या बात हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।